कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को 11 मार्च को परीक्षा शुरू होने से कुछ दिन पहले कक्षा 5, 8, 9 और 11 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा निर्धारित करने वाली राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति रवि वी होसमनी ने अधिसूचनाओं को अस्थिर ठहराया। ये देखते हुए कि समान योगात्मक मूल्यांकन को अनिवार्य करने की नीति, उद्देश्य और आवश्यकता कितनी भी प्रशंसनीय हो, लेकिन यह प्रक्रियात्मक दोषों को ठीक नहीं कर सकती है। जब सरकार इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करने वाली परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाने का इरादा रखती है, तो निर्धारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना वांछनीय और अनिवार्य होगा और विफलता के मामले में आगे की आवश्यकता नहीं है।